What's up guys? आज हम देखने वाले हैं ट्रैश स्टोरीज इंडियन शर्लॉक एपिसोड 1। तो भैया पूरी वेब सीरीज का इंतजाम हो चुका है हार्ड टू चैनल पे, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं इंडियन शर्लॉक क्या कुछ पता लगाता है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। तो गाइज ये वीडियो में री अपलोड नहीं रो रहा हूँ यार, देखो ये वीडियो अच्छा। रीअपलोड करना पड़ रही क्योंकि कुछ तो रीजन की वजह से ये वीडियो हट गई थी। तो जितना हो सके उतना सारा कमेंट्स करो और पूरा कमेंट सेक्शन भर डालो क्योंकि मैं एक-एक कमेंट को पढ़ने वाली हूँ। भाई साहब गुस्से में लग रहा है। तो ये है ट्रैश स्टोरीज बाय हार्ड टोन्स, किसी को बताना नहीं। आरिश और हार्डी भाई, क्योंकि अभी तक आपने अपने चैनल पे ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है। हाँ थोड़ी बहुत नर्वस। ठीक है तो इसको फटाफट फैंसी ड्रेस पहना के जाओ और चलो। ओके तो मेरा नाम है नरेश और इसीलिए कहानी का नरेशन मैं करूंगा। अच्छा, तो ये है हार्डी जिसको भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से भगा दिया गया है इसलिए घर जा रहा है। आज तो बहुत थक गया यार। कौन है वहाँ पे? बिल्डर बोला करके दिखाएंगे पर मेरे से नहीं हो पाया कुछ। जब नेटफ्लिक्स आया और जेटिक्स गया तब से मैं नहीं रह पाता खुश। अरे सर हम लोग हैं यार, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अच्छा तुम लोगो, तुम जियो हजारों साल और मरो एक दिन, मरो एक दिन। जल्दी से फिर हार्डी ने केक काटा और तीनों छोटे समोसे खाते खाते। अच्छा अच्छा। और भाई वो कैफे वाला याद है? देखो मतलब आपको तेरे को बॉस है उसको तेरे को कह रहा है कूल हो रहा है कूल। ए पप्पू हाँ देख रहा है तू, इसको बहुत ही यूनिक तरीके से मारा गया है। मतलब खूनी ने इसके मुंह के अंदर गर्मा गर्म चाय छान दी। अब मैंने क्या किया यार, मैं तो सिर्फ कॉफी पी रहा था। और फिर ऊपर से स्टेपलर पुटुक करके लगाया है। सो इम्प्रेसिव। हाँ मतलब इम्प्रेसिव तो है थोड़ा सा। तो कैसे मर गए यहाँ पे? किसी ने कुछ देखा? हाँ मैंने देखा है कि इसको किसने मारा है, पर अगर फ्री में कॉफी पिलाओगे तो ही बताऊंगा। बेटा यहाँ पे भंडारा नहीं चल रहा है, वो हमारी पूरी मेहनती टीम लगी हुई उस मर्डरर को ढूंढने के लिए। सर जल्दी आ जाओ, कॉफी खत्म होने वाली है। चालू कर चालू कर। और हाँ एक बात कान खोल के समझ लो। बात सर मताना, आप तो कहीं नहीं, खत्म हो गई पूरी। क्या लगता है तुम दोनों को? हाँ मीठी तो है यार थोड़ी। क्या लगता है तुम दोनों? क्या लगता है किसने मारा इसको? है पता चला कुछ? देख 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 ध्यान से देख, ये पोस्टमार्टम चला पता। आधार कार्ड रख के नहीं गया वो इसके मुंह के अंदर, देख रहा हूँ। शांति रखो थोड़ी। सर जल्दी इधर आओ, खूनी मिल गया है। कहाँ पे खूनी? इसने खूनी को देखा है। ये कॉफी? हाँ सर। ठीक है तो इससे खूनी का स्केच बनवाओ। हाँ जी। तो बताओ कैसा दिखता था खूनी? मतलब उसकी जो आंखें थी ना वो कान में उंगलियां मत कर यार, 2 मिनट शांति तो रख ले। क्या बनवाएगा ये? ये लो ये बन गया। ऐसा तो नहीं था वो, मतलब उसकी जो नाक थी ना वो थोड़ी सी, रुको 2 मिनट। हाँ ये ऐसी एकदम ऐसी थी, मैंने उसका फोटो खींच लिया था वहाँ पे। अबे तेरी ऐसी की तैसी। वो तो बच्चा था ये, नहीं तो इस केस में एक और मर्डर शामिल हो जाता। सही बात सही बात। कॉफी छीनो इससे। पर हार्डी और उसकी टीम के दो नमूदे खूनी को पकड़ने के लिए निकल गए। तुम दोनों उधर जाओ, मैं इधर का देखता हूँ ठीक है? Okay. भाई ये इसको देखा है किधर? हाँ कहाँ पे? अभी देखा इस फोटो में। ले ले स्वाद बेटा तू। अरे हार्डी भाई यहाँ पे शूटिंग चल रही है, सही में थोड़ा मारना रहता है और ऐसे दूर से हाथ निकालना, क्या करेगा अपना बेचारा एडिटर फिर? ये जीत तो रहेगी यार, देखो अब टेक टू। जा रहा हूँ मैं घर, नहीं करना है वो कोई शूटिंग वूटिंग। सर खूनी का एड्रेस मिल गया, हम लोग आ रहे हैं, वहीं पे खड़े रहना। हाँ हेलो। ये क्या था? सर जल्दी बैठो। कहाँ पे? फटफटी वाला। ओ भाई वो भी इससे आगे निकल गया। क्या? सर एक और लाश मिली है। हाँ तो फटाफट चलो चाय पी लेते हैं यहाँ पे सामने ही। वो ज्यादा नींद आ रही यार, उबाल से आ रही। चाय इम्पोर्टेंट है क्या? दिन भर चाय चाय
चाय चाय पी यार। चाय तो बहुत मस्त बनाई यार तूने। इसको देखा है क्या तूने कहीं पे? अच्छा ठीक है, ये पैसे रखे यहाँ पे। सर लाश। सर इसकी मौत भी सेम तरीके से हुई है, मुंह के अंदर गरम गरम चाय छान दी। कौन कर रहा है? तो ऐसे उलांग के मत जाओ उस लाश को, हाइट छोटी रह जाएगी उस बेचारे की। हाँ तो ये दो केसेस से हमको पता चलता है ये खूनी एक चाय लवर है। यार ये तो मेरा डायलॉग था ना। और एक और बात, ये खूनी जो है ये चाय लवर्स को, ये कॉफी लवर्स को टारगेट कर रहा है ना। कर लो तुम ही कर लो। अब सर खूनी का एड्रेस तो अपने को मिल गया था, तो फिर चले उससे मिलने। हाँ चलो, जिसकी चाय की दुकान नहीं चल रही वो फिर ये लोग अपनी फटपड़िया पे बैठ के खूनी के अड्डे पे जाते हैं। लूना ले रखी है मेरे पीछे पीछे, ये इधर से दिख रहा है रास्ता। चलो टप 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 टप। सर खूनी आ रहा है, अबे मिल गया, मेडिटेशन कर रहा है बैठ के। हाँ सर आ जाओ, धर लिया उसको। हाँ तो छोड़ दो उसको, मैं पकड़ूंगा, छोड़ उसको। चलो हाँ ले ले बेटा, भाग तो ऐसे यहाँ से वहां तक भाग, मैं तेरे को दौड़ के पकड़ूंगा ठीक है। थोड़ा क्या हो रहा है? थोड़ा धीरे भागने का बोलो ना यार इसको। हाँ हाँ धीरे और धीरे। हाँ कहाँ भाग के जा रहा है? भाग कौन रहा है, मैं तो खड़ा हुआ। चुप हाथो, क्यों कर रहे हो तुमने ऐसा? हाँ मुंह में घुसा दे उसके, मुंह में घुसा दे। चलो अब इसकी मुंह दिखाई तो करे। मैं करूंगा, मैं करूंगा। वन टू थ्री। अंधेरा अंधेरा कर रखा था यार। जी हाँ, तो मेरा नाम है नरेश और इसीलिए कहानी का नरेशन मैंने करा है। चट इतना क्या रहा है इसमें, चल बता फटाफट। तो मेरी खुद की एक चाय की टपरी है और लोग मेरी आंखों के सामने जब कॉफी पीते तो मेरा खून खौल जाता है। तो इसीलिए मैंने जितने भी कैफे वाले थे उनको मारना चालू कर दिया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉफी बेचते। वाह बढ़िया करा। चलो कट टी हो रहा हूँ मैं अब तुम सबसे। चलो बाय बाय। चलो बाय। वैसे तुम लोग आए किधर? टीवी पे चले माँ बाप सेंटिमेंटल। और बस ऐसे ही करके मैं उसको पकड़ लूंगा। है कि नहीं? कैसा है? आहा नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा। तुम अपना वो क्या था फालतू सा, इंडियन स्कूल, इंडियन कार्टून, इंडियन फैमिली टाइप ही कुछ बना लो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, इंडियन लगाना मत भूलना। क्या बोला कि इंडियन लगाना मत भूलना? भाई देखो मेरे हिसाब से सीरीज पहली बार बनाई कार्टून्स ने, तो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मुझे मस्त लगा। एक कुछ कुछ पार्ट जो थे, खासकर एक वो कि स्केच बनवाने वाला पार्ट मस्त इंटीग्रेट किया हुआ था। नाक थोड़ी, ये देखो मैंने फोटो ले लिया था, और कॉफी फ्री की पी गया, स्केच वाले के मजे ले लिए, बाद में फोटो दिखा रहा है, वो हो गया। एक वो वाला पार्ट मेरे को, मैं हूँ नरेश, मैं करूँगा इसलिए मैं कर रहा हूँ नरेशन। वीडियो ओवरऑल बढ़िया थी और एपिसोड वन था, अब देखते हैं एपिसोड टू में क्या कुछ आता है। बाकी हार्टून्स की ये चीज़ मैं कहूँगा, जैसे जो ये वाली आवाज़ रहती है, जैसे कैरेक्टर्स का आपस में पुश एक दूसरे को रहता है, बढ़िया रहती है वीडियोस और इन्जॉयमेंट आती है हमेशा एनिमेशन वीडियोस देखने में। और भाई एनिमेशन के साथ साथ किसी को हंसाना डिफिकल्ट टास्क रहता है, लेकिन वो भरपूर और मजा आया। और आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में कहने के कार्टून मिस होते हैं, जैसे बचपन में देखते थे, तो बचपन की तरह दोबारा जाके पोकेमोन तो देख नहीं सकते, लेकिन सरकास्टिक में एक रोस्ट काइंड ऑफ एक रहता है ना पंचलाइन के साथ, तो मजा आता है। चाहे हार्टून्स हो, नॉट योर टाइप हो, और अगर हम बात करें वो एंग्री पास की भी, और जैसे वो वो उसकी लिल यश की हो गई, और जैसे आरजी बकेट, आरजी बकेट ने तो भाई कसम खा रही है, बहुत कम वीडियोस लेके आते हैं, लेकिन मजा आया। अब हार्टून्स की और भी वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो, टाइटल आप कमेंट में लिख देना, जरूर रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।